तो ये देखिए जूका का प्लांट दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में। तो देखिए एक बड़ा है जो मैंने पिछले साल लगाया था एक बेबी प्लांट्स लेके गमले में। तो अभी देखिए इस साल ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये प्लांट बहुत ही स्लो ग्रो करता है। और एक देखिए जो छोटे गमले में लगा हुआ है, ये मैंने इस साल इस गमले में लगाया हुआ है। और दोनों देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट होता है। बहुत लो मेंटेनेंस होता है और इसके जो पत्ते होते हैं झड़ते नहीं है, चाहे कोई भी मौसम हो इस तरीके का ही ये बना रहता है। बहुत ही खूबसूरती ऐड करता है इसको। आप अगर आप फुल धूप में रखते हैं तो भी ये अच्छे से चलता है। अगर आप इसको एक एक आधे घंटे की धूप में रखते हैं, सेमी शेड एरिया में रखते हैं, तो भी ये अच्छे से चलता है। तो जहाँ भी आपके पास जगह हो आपके अपने गार्डन में, तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। नर्सरी पर आसानी से कम प्राइस में ये 40-50 रुपये का मिल जाता है। और जब एक बार ये आपके गार्डन में आ जाता है तो बहुत सारे इसके जो प्लांट है वो बनते हैं। इस प्लांट को आप जरूर ग्रो करें, खूबसूरत प्लांट है।